Hello guys, welcome back to my channel. I hope you people are doing great. And recently I have uploaded so many videos. I hope you guys have seen them. Vlog ki bhi skin care, hair care, bahut sari videos upload ki hai. Hope you all are seeing them and enjoying them. So today is most demanding video. Aaj ye jeans haul, trouser ki dali hai, top ki dali hai and zyada dali hai. Us time pe comments aa rahe the ki proper jeans chahiye aaj ye ki. So here I am with a proper aaj ye jeans haul. I hope you people will love this video. सारी ही जीन्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, 4-500 के हैं रियली एंड द मटेरियल इज ऑसम. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो एंड विल डिस्कस थिंग्स इन बिटवीन. चलो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट आई विल शो यू दिस जीन्स. दिस इज फ्रॉम ब्रांड ऑर्चिड ब्लू एंड आई एम इन साइज स्मॉल. परफेक्टली मेरे ऊपर फिट हो रहा है, बिल्कुल भी टाइट नहीं, बिल्कुल भी लूज नहीं, बिल्कुल परफेक्ट. सो यस दिस इज इट. इतनी प्यारी, मतलब दिस जीन्स इज मेड फॉर समर. इतना प्यारा इसका लाइट डेनिम कपड़ा है, बहुत ही लाइट, बहुत ज्यादा अमेजिंग है. पहन के इतनी अच्छी लग रही है, शेड इतना प्यारा है, समर्स के लिए शेड है, बिल्कुल व्हाइट वगैरह के साथ बहुत जाएगा. अब वो ना पहले से चलता था कि एक तरफ बॉटम में डार्क पहन लिया तो ऊपर लाइट पहन लो, ऊपर लाइट पहन लिया तो अपोजिट, बट अब एक ही जैसे अच्छे लगते. वाइब्रेंट कलर है तो पूरा वाइब्रेंट रहे, अगर थोड़ा नीचे जा रहे हो व्हाइटेस्ट शेड में, न्यूड शेड में तो पूरा वैसे ही रहो तो वो लुक ज्यादा अच्छा लगता है. सो यहाँ पे मैंने इसी तरह से पहना है कि ये है तो मैंने व्हाइट इसी टॉप के साथ इसको पहना है. इट इज लुकिंग अमेजिंग, बहुत कंफर्टेबल जीन्स है, ट्रस्ट मी गाइस. आगे से पूरा जीन्स वाला है, पीछे से इलास्टिक है बहुत ज्यादा, इसलिए साइज का प्रॉब्लम होता नहीं है जहां पे इलास्टिक आ जाता है. सो यस दिस इज माय फर्स्ट जीन्स व्हिच आई रियली लव्ड एंड आई विल हाईली रिकमेंड. एवरीथिंग इज अमेजिंग अबाउट दिस. सो सेकंड अगेन आई विल शो यू इन सेम शेड में दिखा देती हूँ, उसके बाद डिफरेंट शेड्स में जाते हैं. सो ये है सेम शेड में बट वैसे बिल्कुल डिफरेंट जीन्स है. सो दिस इज द नेक्स्ट जीन्स. अगेन आई रियली लव दिस, बिल्कुल आजकल के स्टाइल की है, एकदम ट्रेंडी, एकदम लेटेस्ट स्टाइलिश. इसमें भी यही है, आगे से इस तरह से जीन्स में, पीछे से इलास्टिक है, इस वजह से ज्यादा साइज का दिक्कत नहीं आएगी. एंड वैसे मेरा साइज इसमें भी स्मॉल है. अगेन द ब्रांड इज ऑर्चिड ब्लू. यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसका पैटर्न बना हुआ है. पहन के बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मुझे ये शेड बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इट विल रॉक समर्स के लिए ही ये शेड है, काफी प्यारा लग रहा है. एंड जीन्स का जो मटेरियल है इट्स ऑसम. जैसे वो वाला था वो थोड़ा पतला वाला डेनिम था, ये तो थिक डेनिम है एंड बहुत ही प्यारा है. थिक डेनिम है बट स्टिल आप समर्स में इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि काफी लूज लूज जीन्स है, बहुत प्यारी है. हाईली रिकमेंड. आई विल गिव 10/10 दोनों जीन्सों को, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी सीरियसली. सो यस दिस इज माई सेकेंड जीन्स विच इज अगैन आई एम इन लव विद. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अच्छा ब्लैक के भी ना आई हैव टू शेड्स, दो शेड्स सबके आ रहे हैं. चलो द नेक्स्ट इज दिस जीन्स. दिस इज फ्रॉम ब्रांड फ्री हैंड एंड आई एम इन साइज 28. मैंने वेस्ट लिया इसकी क्योंकि रिसेंटली मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया. पहले मैं 26 पहनती थी, अब मैं 28 लेने लगी हूँ. 28 परफेक्टली फिट आ रहे हैं मेरे ऊपर, पता नहीं अब मेरी पुरानी जीन्स का क्या होने वाला है क्योंकि वो मेरे ऊपर अब नहीं आने वाली. सो दिस इज द जीन्स. इसमें क्या है, आगे शेड ये है और पीछे शेड थोड़ा डिफरेंट है, तो इट्स लुकिंग नाइस. थोड़ी स्टाइलिश है, थोड़ी डिफरेंट है, प्यारी लग रही है. ओवरऑल आई रियली लाइक दिस. सो दिस इज द जीन्स. कपड़ा एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस. प्रॉपर डेनिम है, जिससे नॉर्मल डेनिम जीन्स होती हैं वैसा ही इसका कपड़ा है. फिटिंग 28 के हिसाब से, मतलब अपने आप जो साइज लेते हो उसके हिसाब से जो भी आप साइज लोगे वो एकदम परफेक्टली फिट आएगा आपको. किसी भी जीन्स में साइज अप या डाउन करने की जरूरत नहीं है, सारी ही जीन्स अपने साइज में लेना, दे विल फिट यू. सो दिस इज द नेक्स्ट जीन्स विच आई अगेन से द कपड़ा एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड वेरी अफोर्डेबल. सो अगेन आई विल रिकमेंड दिस ऑल्सो. एज ये शेड इसका चेंज है उसकी वजह से थोड़ा सा ये स्टाइलिश और डिफरेंट लग रही है. सो यस दिस इज नाइस. लेंथ में आप देखोगे तो हो सकता है मेरी वीडियोस में आपको वो पहना हुआ थोड़ा फनी लगे, क्योंकि मेरे उसमें लेंथ सबकी थोड़ी लंबी आ रही है. पहले मैंने बिना बिना स्लीपर्स के पहन के वीडियो बना रही थी तो बहुत ज़्यादा जीन्स लेंथ उसकी लंबी आती थी, फिर मैंने शूज़ के साथ पहनना शुरू किया, क्योंकि अगर आप शूज़ वगैरह थोड़े हाइटेड पहनते हो तो वो कवर हो जाता है. और आजकल तो लंबी ही जीन्स का फैशन है ना, बिल्कुल थोड़ी लूज एंड बैगी, लंबी लंबी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है. सो यस दिस इज माई नेक्स्ट जीन्स.
ना थोड़ा बहुत सिमिलर शेड में एक और जीन्स है. ओके ब्रांड इज ऑल्सो सेम, मुझे नहीं पता था सच्ची अभी. ब्रांड इज ऑल्सो सेम, फ्री हैंड 28. अजी में देखोगे कुछ लिमिटेड ब्रांड्स मिलेंगे अगर आप अफोर्डेबल में जाओगे, बट कपड़ा एंड एवरीथिंग आई गारंटी इज वेरी नाइस. सो दिस इज द नेक्स्ट जीन्स, दिस इज द जीन्स. ये थोड़ी रेप्ड में है, कटी फटी जीन्स है ये, बट इट्स लुकिंग अगेन नाइस. ये थोड़ी उस टाइप की है जैसे जिस टाइप की बूट कट टाइप जीन्स होती है, ऊपर से तो टाइट है एंड नीचे से हल्की ऐसी है, बहुत हल्की, बहुत हल्का फ्लेयर्ड है, बट इट्स अगेन अ वेरी परफेक्ट जीन्स. बहुत ही सेक्सी लग रही है पहन के, इट्स रियली नाइस. शेड वगैरह भी अच्छा है, नॉर्मल शेड है, सबके साथ जाता है. अगर आपके पास ऐसा कोई शेड नहीं है या है तो वो पुराना हो गया, सो यू कैन बाय, कि ऐसा शेड तो चाहिए ही चाहिए होता है. मतलब इट्स नथिंग न्यू या कुछ डिफरेंट, एक नॉर्मल कैजुअल जीन्स है, विच अगेन कपड़ा एंड एवरीथिंग के लिए आई विल गिव 10/10. तो अगर आपको ये शेड चाहिए सो गाइस कैन फॉर श्योर गो. नाउ एंड में वी हैव टू जीन्स, बोथ आर ब्लैक, सो लेट्स सी. द फर्स्ट इज दिस, विच आई वाज सेइंग कि एक मैंने बताया था, नहीं बताया था पता नहीं, कि 1000 की है. ये है 1000 की. इट्स रियली अ प्रीमियम ब्रांड, प्रीमियम जीन्स. मतलब अगर आप देखो कि इस 1000 रुपीज में आपको इतना प्रीमियम मिल रहा है, ये इतनी ऑसम है, इसका कपड़ा एंड एवरीथिंग लुक इतना शाइनी है. ये प्रॉपर डेनिम तो नहीं है, बट ट्राउजर वाला कपड़ा भी नहीं है इसका कपड़ा. आई रियली डोंट नो क्या है, पता नहीं, पर जो भी है बहुत ही अच्छा है. स्ट्रेचेबल में भी है, शाइनी वाला ब्लैक है, इट्स अमेजिंग. आई हाईली रिकमेंड अगर आप एक अच्छी जीन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपना थोड़ा बजट बढ़ा रहे हो, 1000 तक की जीन्स लेने वाले हो, सो आई विल से गो फॉर दिस. दिस इज अमेजिंग, काफी अच्छा, काफी कंफर्टेबल कपड़ा है, एंड इट्स रियली अ प्रीमियम जीन्स. सो येस आई विल रिकमेंड. द ब्रांड इज ब्रॉड स्टार. ओके फर्स्ट टाइम आई बॉट दिस ब्रॉड स्टार, एंड आई एम इन साइज 20. सो येस अगेन अ वेरी वेरी नाइस जीन्स एंड हाईली रिकमेंडेड. सो द नेक्स्ट इज अगेन अ ब्लैक. इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लग रहा था ये प्रॉपर डेनिम होगी, बट नहीं, ये ट्राउजर वाला मटेरियल है. सो दिस इज द ट्राउजर काइंड जीन्स. ये एस स्टेप की मैंने आपको शायद पहले वीडियो में भी दिखाई है किसी में, ब्लू कलर की शायद. सो येस दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉटी, एंड आई एम इन साइज 28 मेरे उसमें बिल्कुल अच्छे से फिट आ रहा है. हाँ लास्ट टाइम मुझे याद आया कि मैंने इसकी वीडियो बनाया है, मतलब इसमें दूसरा कलर में, उसमें मैंने साइज 26 ले लिया था, तो मेरे उसमें टाइट हो रहा था. इस टाइम आया मैंने सबकी ही 28 साइज मंगाया. सो यस दिस इज द ट्राउजर अगेन, इट्स वेरी नाइस. अगर आपको ये पर्टिकुलर आप नहीं हो कि आपको जीन्स मटेरियल में चाहिए, सो आई हाईली रिकमेंड दिस. काफी अंडर बजट ट्राउजर है, एंड बिल्कुल परफेक्ट है. आप हर चीज के साथ इसे पहन सकते हो, एंड इट विल लुक नाइस. समर के लिए भी एकदम परफेक्ट है. सो यस दिस इज माय लास्ट वन, अगेन 10/10 एंड हाईली रिकमेंडेड. सारी जीन्स बहुत अच्छी हैं, बस आपको क्या करना है, अपना शेड सेलेक्ट कर लेना है और ले लेनी है, क्योंकि सब जीन्स का कपड़ा एंड ऑल इज वेरी वेरी नाइस. आई एम श्योर, आई गारंटी दैट. मैं मेरे सामने रखी है, मैंने टच फील किया है, तो आई कैन से कि सबकी ही क्वालिटी इज वेरी वेरी नाइस. सो यस बस अपना शेड पसंद करो एंड गो फॉर इट. सो यस दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस. बहुत सारे टॉप्स एंड मीशो के हॉल्स भी आने वाले हैं, मिंत्रा के हॉल आने वाले हैं. रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा मिंत्रा का हॉल डाला था उसने, वो कम लोगों ने शायद देखा है, एंड मीशो का भी बहुत अच्छा गोड सेट हॉल है, दो हैं, तो गो चेक देम आउट. आई एम श्योर यू गाइज विल एंजॉय देम. सो यस थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइज, बाय बाय.